बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी टीम यूएसए की, हमारे ही ग्रुप में है एंड देयर शोइंग कि आप इनको कभी भी कहीं भी हल्का नहीं ले सकते यार। पिच बड़ी जबरदस्त थी, मैंने पहली बॉल से मैच देखा, पहले ही बॉल पे उसने चौका मार दिया था कैनेडियन ने, पहला जो गेंद किया था कवर ड्राइव बड़ी अच्छी, एक्सेलेंट पिच और उसमें गेंद सीम भी हो रहा था, और गॉर्डन उनका प्लेयर था कनाडा का, जब उसने नया गेंद किया तो बहुत अच्छा उसका पड़ के ऐसे सीम घूम रहा था, मगर ऑब्वियसली वो सब 30 प्लस होंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उन्होंने वो कंट्रोल उसके पास नहीं था, उतना अच्छी लेंथ पे वो गेंद नहीं कर सका, अदरवाइज उसका गेंद घुमाए जिस तरह के यहाँ पे हम याद है नसीम शाह का जिक्र कर रहे थे, PSL में घूम रहा था पढ़ के ऐसे जा रहा था, वो गेंद उधर हो रहा था, और पिच पटाखा जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं ना, बल्ले पे इतना अच्छा गेंद आया कि कवर के ऊपर भी छक्के लगे हैं, पॉइंट के ऊपर भी लगे हैं, और वो जोन्स जो है वो तो खेलता ही रिजवान की तरह है, पाँव रख रख के उसने जो स्वीपें मारी हैं और मिड विकेट मारी है उसने, और बहुत ही मज़ा आया, एक वक्त मैं समझा शायद ये हार रहे हैं मगर एकदम से ऐसा एक्सेलरेट किया है उन्होंने कि पता ही नहीं चला। नहीं ऐसा लगता नहीं है सिकंदर कि नई नवेली टीम है और इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि कोरी एंडरसन भी इनकी टीम में शामिल है और ये जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे आप एरन जोन्स की बात करें या दीगर प्लेयर्स हैं, इन्होंने USA के अलावा और बहुत सी जगहों पर क्रिकेट खेली है। अंदर क्या कोई फ़र्क नज़र आएगा हमें, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं देर आर प्लेसेज जहाँ पर रन लगेंगे बट बॉलर्स को ज़्यादा मार्जिन मिलेगा करेबियन लेग में? मैं तो बहुत पहले खेल के आ चुका हूँ और वो तो ग्राउंड भी शायद ब्रिज टाउन था, घोटी साहब ब्रिज टाउन है, जॉर्ज बदलाव आ गया, नहीं नहीं जॉर्ज टाउन ब्रिज टाउन, जॉर्ज टाउन आना तो वो ग्राउंड तो बदल गया वाला, पुराना चेंज हो गया तो वो प्रोविडेंस आ गया। अब जो पहले पुराना ग्राउंड था उसमें बड़ी पटाखा विकेट थी, बहुत जबरदस्त चिकनी विकेट, उसमें रन होते थे दबा के, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिच थी, मगर अब जो है वो चीज़ें तब्दील हो गई, मगर जो ट्रेंड चलता है मैं जितना भी वेस्ट इंडीज़ में देखता हूँ कि वो यही होता है कि या तो स्पिनर्स को भी हेल्प करती है वहाँ पर और हवा चलती है, इसलिए कि सारे आइलैंड हैं तो एक तरफ से ज़रूर हवा चलती है, तो उधर बॉलर्स को ये भी मौका मिल जाता है स्विंग करने का, तो पिचेस पे वहाँ पे रन्स भी होंगे और स्पिनर्स विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। सिकंदर वर्ल्ड क्रिकेट में हमने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे हैं, आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, खासतौर पर ये जो USA की टीम है इसमें कोरी एंडरसन का कल हमें रोल नज़र नहीं आया लेकिन उन्होंने पूरा रोल निभाया बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है कि वो प्लेयर्स जो स्टैब्लिश्ड हैं उनके अलावा दीगर प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, दिस मेक्स देम मोर स्ट्रॉन्ग। नहीं वो तो है मगर देखें उनकी जो अभी शायद अहमद ने बोली थी ये बात कि जो बॉलिंग थी ना वो इतनी तगड़ी नहीं थी, बैटिंग तगड़ी है, बैटिंग बैट्समैन जो होता है कि वो अगर 35 और 34 की जो एज में होता है तो वो सही होता है, वो मार सकता है, मगर बॉलर जो है ना वो गिर जाता है, उसकी पेस कम हो जाती है उसकी, तो वो मेरे वो बिल्कुल वो सही कह रहा है, और वहाँ पर जो पेसर्स थे वो इतने मज़ेदार नहीं थे, पाकिस्तान अगर हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से अगर उसका मैच हो तो मैं नहीं समझता कि कोई अपसेट होना चाहिए, वो बात अलग है कि जैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अहमद शहजाद ने कि प्लेयरों के स्पोक्स पर्सन वहाँ मौजूद हैं कहीं पे, तो वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं पूछूंगा उनसे खामोशी से वो कौन है तो वो अच्छा पता आपको भी अब पूछ अहमद से रहे? नहीं मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता। खैर अगेन ये वो डिस्कशन है जो बाद में करेंगे, कभी मिल बैठिए। तो वो ये जो वो जो लड़के हैं ना ये सारे खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जैसे अगर हमारा समी असलम भी क्वालिफाई कर जाता तो वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर होता, सॉलिड होता, तो ये वो सारे वो लड़के हैं, तो बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है तो हमें इसलिए फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर हम अपनी पेसर्स हमारे अच्छी जगह बॉल करेंगे, मैंने देखा किसी ने यॉर्कर्स मारने की कोशिश नहीं की उनको आउट करने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनके जो रन का फ्लो था उसको रोकने के लिए, वो तो जो मार रहे थे वो तो स्टेडियम से बाहर जा रही थी गेंद, आई एम रियली सरप्राइज व्हाट अ मतलब इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग मैंने नहीं देखी, बड़े दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं IPL नहीं देखता इसलिए मैंने IPL में नहीं देखी, मगर यहाँ पे कल आज सुबह बड़ा मजा आया। एब्सोल्युटली सिकंदर, आप समी असलम का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लगता है कि टीम USA ने जो टीम सेलेक्ट की है वो अग्रेसिव माइंडसेट के प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट की है और उनके तमाम प्लेयर्स खुलकर खेलने वाले नजर आते हैं और ये माइंडसेट शायद वो पूरे वर्ल्ड T20 में लेके चलेंगे। आप